दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण और शहरी गरीबों को कम करना है। लेकिन राजस्थान में लगातार इस योजना में खाली चल रहे पदों के साथ नियम विरुद्ध नियुक्तियों की शिकायतें भी मिल रही है। दरअसल योजना में तकनीकी विशेषज्ञों के चयन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस कंपनी पर कार्मिक उपलब्ध कराने का जिम्मा है उसे काम नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि ब्रजकिशोर राणा जैसे अधिकारी को अलवर तकनीकी विशेषज्ञ के पद से निष्कासित करने के बावजूद उन्हें नियमों को ताक पर रखकर बीकानेर में पद स्थापित किया गया। तो वहीं झालावाड़ में तकनीकी विशेषज्ञों के पद पर कार्यरत सोना मेहंदीरत्ता की प्रतिनियुक्ति पर जयपुर हेरिटेज में उन्हें लगाया गया, जिसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जबकि पिछले दिनों यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल खुद इस बात को कह चुके हैं कि तकनीकी विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाता। जब एवन टीवी की ओर से अनियमितताओं को लेकर परियोजना निदेशक सुरेश गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने इन सब बातों का जवाब मंत्री के ऊपर डाल दिया। गुप्ता ने कहा कि यूडीएच मंत्री के निर्देश पर ही उन्हें पदस्थापित किया गया है। सभी 33 जिलों में हमारे तकनीकी विशेषज्ञ के पद स्वीकृत है और सभी निकायों में हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के पद भी स्वीकृत है, सामाजिक संगठन के, वो बराबर हमारे काम कर रहे हैं। नहीं, हमारी बीएसए कंपनी के थ्रू जो भी कार्मिक लगाए जा रहे हैं वो बराबर काम कर रहे हैं। जिनके यदि काम नहीं कर रहे उनकी शिकायत है, उनको हम वो कंपनी उनको हटा देती है।